तो आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप NN नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आप गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कब तक जारी हो और हम अप्लाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त करें, तो ये जो वीडियो है स्पेशली उन सभी के लिए है जिन्होंने NM नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर रखा है और वे गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में जो भर्ती का नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है, NM के 5272 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं और अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम होगा तो किस टाइप होगा, किस बेस पर सिलेक्शन होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, मतलब कि हर एक कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी जो पार्ट है वीडियो का मिस नहीं करना है। तो साथियों, यहां पर हम बात कर लेते हैं कि स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से यह विज्ञापन जारी किया गया है। यह वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे, UP SSC.GOV.IN। इस वेबसाइट पर आएंगे, नोटिस बोर्ड के सेक्शन पर ध्यान से देखेंगे तो 14 अक्टूबर 2024 का विज्ञापन संख्या आपको दिख जाएगा और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन है, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से विज्ञापन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको राइट इन्फो क्लब टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उस चैनल पर भी आपको ये PDF मिल जाएगी, तो आप राइट इन्फो क्लब के टेलीग्राम चैनल से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट जो है साथियों, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मेंशन है 28/10/2024, यानी कि आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और फॉर्म भरने के लास्ट डेट है वो है 27 नवंबर 2024, यानी कि 28 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 27 नवंबर तक चलेंगे, 27 नवंबर से पहले ही आपको फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। तो ये लास्ट डेट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फॉर्म अगर आपका गलत हो गया है, यानी कि उसमें मिस्टेक हो गई है, तो उसको सही करने की, उसको संशोधित या फिर करेक्शन करने की जो लास्ट डेट है वो है 4 दिसंबर 2024। तो इन महत्वपूर्ण तिथियों को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं साथियों कि कितनी वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेंशन है विभाग का नाम कि किस विभाग के द्वारा वैकेंसी है, किस पोस्ट पर है, कितना आपका पे बैंड रहने वाला है ग्रेड पे और कितनी टोटल वैकेंसी है, किस टाइप की जो जॉब है वो मेंशन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विभाग का नाम मेंशन है परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ और पद का नाम है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, यानी कि NM का पोस्ट है सामान्य सिलेक्शन के अंतर्गत, ठीक है। जो पोस्ट है इन पर आपका जो पे लेवल है वो 3 रहेगा, वेतनमान जो है वो 21,700 से 69,100 रहने वाला है, ठीक है। तो इससे बीच में आपका सैलरी रहने वाला है, मतलब कि ये आपका बेसिक पे है, इसमें आपका जो भत्ता है यानी कि जो अलाउंसेज होते हैं वो ऐड हो जाएंगे, टैक्स कट जाएगा, तो उसके बाद इन हैंड सैलरी जो है वो भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कुल पद कितने हैं, तो इस सामान्य चयन के अंतर्गत पद हैं 4,892, ठीक है, 4,892 पद हैं और इसमें अस्थाई और स्थाई दोनों प्रकार के हैं, यानी कि इसमें टेम्प्रेरी और परमानेंट दोनों प्रकार के पद हैं। दूसरा है विभाग का नाम है परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला विशेष चयन के अंतर्गत पे बैंड जो है आपका, ठीक है, जो बेसिक पे है वो 21,700 से 69,100 और जो टोटल पोस्ट है इसके अंतर्गत वो है 380, स्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार के पद इसमें भी शामिल हैं। कुल यहाँ पर जो पद हैं वो आपके हैं 5,272, ठीक है। तो कुल 5,272 पदों पर भर्ती ये होने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या चाहिए, मतलब कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए साथियों, यहाँ पर ज़रूरी है कि आप 10+2 यानी कि 12वीं पास क्यों हैं, यानी कि इंटर आपने किया हो, इंटर या फिर इंटर के समकक्ष परीक्षा आपने पास किया, यानी कि 12th के इक्विवेलेंट एग्ज़ाम आपने पास किया है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि आप 12th यानी कि 12वीं की हो प्लस आपने NM नर्सिंग का कोर्स किया हो। देखिए यहाँ पर मेंशन है इंटरमीडिएट किया हो प्लस 1 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ यानी कि NM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आपने सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो, मतलब कि आपने 12th किया है प्लस आपने
1 साल 6 महीने का, या फिर 2 साल का यानी कि 1.5 साल का, या फिर 2 साल का आपने NIM किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में रजिस्टर्ड हों, मतलब कि आप 12th पास किए हों और आपने NIM नर्सिंग का कोर्स किया हो, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं, तो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर सकते हैं बट उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है तो ज़रूरी है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, ठीक है। वैसे अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो उत्तर प्रदेश के नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर भी मेंशन है, अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे, मतलब कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं बट उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं चयन के आधार के, यानी कि सिलेक्शन किस बेस पर होगा। तो साथियों सबसे पहला जो सिलेक्शन है यानी किस आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा, तो आपने PET यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, तो अगर आपने PET एग्ज़ाम 2023 वाला पास किया था, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आपने पास की थी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसमें, इसमें, इस भर्ती प्रक्रिया में, ठीक है। तो अगर आपने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 क्वालिफाई किया था, ठीक है, तो उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद उन अभ्यर्थियों को मेन यानी कि मुख्य परीक्षा देनी होगी, मतलब कि जो पहला सिलेक्शन है वो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, PET। तो PET जो है PET 2023 का जो स्कोर है उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो जिन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। फिर मुख्य परीक्षा में आपका जैसा प्रदर्शन रहेगा, जैसा आपका स्कोर रहेगा, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आपने अगर PET 2023 का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था तो आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं और आपको शॉर्टलिस्ट का जो नोटिस है वो मिल सकता है कि आप शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और उसके बाद आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है। तो इसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 और मुख्य परीक्षा, इनके आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। मुख्य परीक्षा में किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टाइप के होंगे, आइए चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे मेंशन है विषयगत ज्ञान, ठीक है, तो NIM से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, NIM के जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, प्रश्नों की संख्या रहेगी 100, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए नंबर कितने रहेंगे, 100, ठीक है। तो एक नंबर का एक क्वेश्चन, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा यानी कि 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, बहुविकल्पी प्रकार के, वस्तुनिष्ठ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न आपके होंगे एग्जामिनेशन में, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होगी, कितनी होगी, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। किन किन विषयों से प्रश्न होंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनका जो सिलेबस है डिटेल में मेंशन है, विषयगत ज्ञान मतलब कि NIM के जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो यहाँ पर मेंशन है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा नीचे देख पा रहे होंगे, ठीक है, अंग्रेजी में भी जो सिलेबस है मेंशन है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस PDF को डाउनलोड करके आप डिटेल में सिलेबस को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी है, फॉर्म भरने की फ़ीस है ₹25, इस विज्ञापन में मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये फ़ीस मेंशन की गई है, कैटेगरी वाइज ₹25 है फॉर्म भरने की फ़ीस। अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या चाहिए, फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है वो इसमें डिटेल में बताया गया है, तो इस PDF को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो कोई भी गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो PDF है इसको डाउनलोड करके डिटेल में फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो आप पढ़ लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे आपको नई भर्ती का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।